भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जो मुंब्रा शाहीन बाग के नाम से यहां पर विरोध किया जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से जो विरोध प्रदर्शन तो स्थगित किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से जो है यहां पर खाना बनाकर जो है ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जा रहा है। करीब 5 से 6 हज़ार ज़रूरतमंद ऐसे हैं जो शाहीन बाग की तरफ से खाना पहुँचाने का काम किया जाता है। लेकिन कल एक घटना ऐसी घटी कि जो उनके वॉलेंटियर हैं जमील, वो जो है मार्केट करके जब वापस लौट रहे थे, उस वक्त जो SRPF की टीम मुंब्रा में तैनात की गई है उसकी बर्बरता के वो शिकार हो गए। लगातार जो है उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, मारा गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने जानकारी भी दी कि हम रिलीफ कैंप के हैं और हम लोगों तक जो है ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि कल से ये मामला जो है काफ़ी गंभीर बना हुआ था और आज दोपहर 2 बजे के समय जो लोग रिलीफ कैंप चलाते हैं शाहीन बाग की, वो लोग यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जो है शिकायत लेकर आए थे कि आखिर जो हम लोग रिलीफ कैंप चला रहे हैं और ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचा रहे हैं, अगर ऐसे में खाना पहुंचाने वालों के साथ बर्बरता की जाएगी, उन्हें मारा पीटा जाएगा, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक खाना कैसे पहुंचेगा। फिलहाल जो लोग यहां पर मुंब्रा पुलिस के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं उन तक शिकायत लेकर आए थे और उन्हें क्या आश्वासन वहां से मिला है, हम उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग जो है यहाँ पर आए थे आज शिकायत लेकर, तो क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? देखिए, हमें यहाँ से ये कहा गया है कि यहाँ के जो कुछ ऑफिसर्स जो है क्वारंटाइन किए गए थे, नया स्टाफ था, कुछ कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन कल उन लोगों को जो है SRPF की टीम को बुला करके बता दिया गया है कि यहाँ जो है वॉलंटियर्स जिन लोग काम कर रहे हैं और जो लोग रमज़ान का महीना है इसमें आप लोग बिल्कुल इस तरीके की सख्ती ना कीजिए। जिस तरीके से बर्बरता की गई, एक शख्स को जो है एक बड़ी उम्र के शख्स को 8 से 10 लोगों ने मिलकर मारा, इसके ख़िलाफ़ हम इसके जो हमारी जो है पूरे NGO के लोग गुस्से में थे। और कल जो है हम लोग यहाँ पर हमारे जो वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उनका ये कहना था कि हम लाकर इसको पुलिस स्टेशन पर दे देंगे, पुलिस के ज़रिए से खाना बांटा जाए, लेकिन हमारे जो है जो लोग हमारे उलमाओं के समझाने पर वो लोग रुक गए। और आज हमारा एक डेलीगेशन जो है यहाँ के सीनियर से मिलने के लिए आया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरीके की सख्ती नहीं की जाएगी और हमारे जो है वॉलेंटियर्स को काम करने की परमिशन मिलेगी। तो आपने उनसे क्या ये बात बताई कि शहर में ऐसे और भी कई तंजीमें हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके अलावा और भी तो तंजीमें हैं, उनको भी क्या राहत मिलेगी? जी, हमने बताया है मुंब्रा में जो है एक तंजीम जो है पूरा मुंब्रा कवर नहीं कर सकती है, बड़ी कसीर आबादी का शहर है, और भी NGOs के लोग और भी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं। जो लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं उन्हें आप वो जांचें, उन्हें परखें और अपना ID इशू करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तमाम जो NGOs इस तरीके के मुंब्रा में काम कर रहे हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा, उन लोगों पर सख्ती नहीं बरती जाएगी। अगर उन लोगों को किसी तरीके की तकलीफ़ आती है तो सीनियर साहब ने अपना नंबर और मुजावर साहब ने दिए हैं, उन्होंने कहा कि उनसे कोऑर्डिनेट करके उस तरीके की उस तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो मुफ्ती बासी साहब, आप बताइए कि आप लोग पुलिस स्टेशन में गए थे शिकायत लेकर, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही, पुलिस कहीं सर पे डंडा मार रही है तो कहीं पैर पे डंडा मार रही है, कई लोग जो है इसके शिकार अब तक हो चुके हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से निकलते, जो TMC ने समय दिया है उस समय पर भी लोग निकल रहे हैं तो पुलिस के डंडों का शिकार हो रहे हैं। ये वलतकर साहब और मुजावर साहब का ऐसा बोलना था कि ये CRPF जो आई है बाहर की जो पुलिस है स्टेट गवर्नमेंट के, ये सब हादसा उनकी तरफ से हुए हैं और अभी हम लोगों ने आश्वासन दिया ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने वहाँ पर भी बात रखी थी और अभी यहाँ भी हम आपके माध्यम से बात रख रहे हैं कि जो घायल हुए हैं पुलिस के डंडों से बर्बरता के साथ मारा गया है, चाहे वो SRPF के लोग हों चाहे लोकल पुलिस के लोग हों, उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। लॉकडाउन होना और लोगों को उससे रुकना ये बहुत ज़रूरी है और पुलिस को उसके लिए लोगों को रुकने के लिए बहुत से इख्तियार दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन किसी के हाथ पैर टूट जाए किसी का सर फूट जाए ये कानूनन गुंजाइश नहीं है, इसके ऊपर उनके खिलाफ़ केस होना चाहिए या इंक्वायरी होकर के उनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। हम ये वहाँ पर भी बात रखे थे और यहाँ भी बात रख रहे हैं कि इसके होना चाहिए एक्शन, और नहीं होगा तो फिर रमज़ान है, रोज़े हैं, मसाइल हैं और पब्लिक का क्या कहते हैं, इस पर गुस्सा बढ़ जाएगा तो फिर बहुत से दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हम हर तरह से मस्जिदों से हर तरह से
नमाज बंद कर दी गई है, ऐलानात होते हैं, हर वक्त ऐलान होता है कि लोग बाहर ना निकलें, लेकिन ऐसे हालात जब पैदा होंगे तो पब्लिक के गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम पुलिस से बहुत ही मोहब्बत के साथ में और एक हमदर्द शहरी होने के नाते और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपील करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को सहायता मिले। और इसी के साथ लोगों से भी कहते हैं कि बाहर इस तरीके से ना निकलें, जो टाइम दिया गया है उसमें निकलें और सोशल डिस्टेंस के साथ में रहें। जो ज़मीन है जिसे चोट लगी, जिसे पुलिस ने मारा है, उसका अभी क्या हालत है, क्या उसकी जो है इलाज हो रहा है, उसका क्या? उनका इलाज चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, उनको भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक आना था, लेकिन चोट ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि एक दिन होने के बाद में उसका क्या कहते हैं ज़्यादा सूजन वगैरह आ गई है, तकलीफ़ बढ़ गई है, वो आ नहीं सके हैं। ये दोनों टाइम का मिला करके है, रेती बंदर से लेकर के उत्तर शिव तक के ये खाना जाता है। तकरीबन 17-18 सेंटर हैं जहाँ पर ये खाना गरीबों तक पहुँचाया जाता है। सेंटर्स क्या कहते हैं अलकमा भाई, बताएंगे डिटेल में कहाँ कहाँ जाता है खाना? देखिए, रेती बंदर के कुछ इलाके हैं, वहाँ से जीवन बाग है, मुमरा देवी रोड है, बॉम्बे कॉलोनी है, ऊपर जो है ये गाँव देवी का इलाका है, आप आगे चले जाइए संजय नगर, ये पीछे पुलिस स्टेशन के पीछे नारायण नगर का इलाका है, और आगे किस्मत कॉलोनी, अमृत नगर, तनवर नगर, रशीद कंपाउंड में माइग्रेंट्स लेबर्स निकले थे, हमें पुलिस की तरफ से अपील की गई थी कि आप उन लोगों को भी खाने का इंतज़ाम कीजिए। हम लोग तकरीबन 200 माइग्रेंट्स लेबर्स को हम लोग उन लोगों को खाना पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोग रशीद कंपाउंड के अलावा श्रीलंका, उत्तर शील फाटा, कल्याण फाटा और उत्तर शिव तक हम लोग बिला मजहब की तफरीक किए हुए हम लोगों तक खाना पहुँचाते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये मुमरा शाहीन बाग में जो खाना पहुंचाने का काम करते हैं वो लोग हैं, जिस तरह से इनके वॉलेंटियर को पुलिस द्वारा यानी SRPF जो तैनात की गई, इसको द्वारा जिस तरह से बर्बरता की गई, उसके बाद जो है इनके स्टाफ जो है वो खाना लेकर जो है सारा मुमरा पुलिस स्टेशन आने वाला था, लेकिन बहरहाल वो खाना लेकर नहीं आए और सिर्फ अपना एक डेलीगेशन लेकर यहाँ पहुँचे और पुलिस से बातचीत की कि क्या इसी तरह से खाना पहुंचाने वाले रिलीफ कैंप जो चला रहे हैं उनको इसी तरह से पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान जो है मुमरा पुलिस ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जो SRPF यहां पर तैनात की गई थी उन्हें इसके बारे में नहीं मालूम थी, लेकिन फ़िलहाल अब मुमरा पुलिस जो लोग क्वारंटाइन थे वो अब यहाँ पर आ गए हैं और अपनी ड्यूटी पर जो है वो मौजूद हो गए हैं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कैमरामैन नज़ीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।